बस मर भाई कखनी उनटा भाई रेल बन होले पानी कब जमा आइले सरकार का नहीं तो डूबा दो जनता लोग ना बेटा एकदम ना एकदम भौजी योग दीदी कल्याण टोला वार्ड नंबर 2। हम आज पहुंच गए हैं ऋषि कुंड होल्ट के पास में, जो कि रेलवे ट्रैक के अप डाउन दोनों साइड में बाढ़ पीड़ित परिवार रहते हैं। माँ जी आप बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ निकाल नहीं मिले पानी, पानी कुछ नहीं व्यवस्था कोई नहीं। कौन सा पंचायत पड़ता है? क्या पंचायत है? कल्याण टोला वार्ड नंबर 2। कल्याण टोला के वार्ड मुखिया सरपंच ये सब आप लोग को देखने के लिए आता है कि नहीं? नहीं नहीं एक भी नहीं, नहीं कोई ना। वो वोट जो लेने के लिए आता है तो उस टाइम वो आता है? हाँ वो टाइम बाबू भौजी योग दीदी बाबू। यहाँ पर तो पानी काफी है, तो आने जाने के साधन कैसा है? ये शॉर्टकट नाव सब नहीं दिया है पंचायत लेवल पे, है ना? बाढ़ के लिए नाव आता है, नाव से जाइए आइए वो साधन रहता है। तो वो जो बहुत सारा बाढ़ का जो सेवा होता है, पन्नी तिरपाल राशन पानी भंडारा जो ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ना बेटा एकदम ना एकदम ना। रेल बन होले पानी कब जमा आइले सरकार का नहीं तो डूबा दो जनता लोग का। तो यहाँ पे मौसम उतना खराब नहीं था, यूपी में 2-3 सप्ताह तक लगातार बारिश हुआ है और साथ में नेपाल से पानी आता है, तो वो पानी परेशान कर रहा है। पूरा यूपी तबाही है, बिहार तबाही है, साथ में बंगाल भी भौंस रहा है। बंगाल को बचाने के लिए बिहार में पानी को छेक के रखा है फरक्का में, अगर अचानक छोड़ देगा तो पूरा बंगाल भस जाएगा, सभी को देखना पड़ेगा। मुआवजा जब तक नहीं देगा बिहार सरकार को, तब तक पानी को रोक के रखेगा। जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि बाढ़ घोषित हुआ कि नहीं हुआ, बाढ़ घोषित होने के लिए 40.99 अंक मिलेगा गंगा नदी के जलस्तर 40.99 और अभी वर्तमान समय में चल रहा है 39.99 यानी 1 पॉइंट कम है, जबकि गंगा नदी के अधिक जलस्तर बढ़ने से बरियारपुर पुल संख्या 195 पर गाटर बॉटम से ऊपर गाटर पर पानी चला आया है। रेलवे ट्रैक के डाउन में पुल की गाटर 1 फीट डाउन है और अप में पूरा 40 mm जलस्तर की वृद्धि है। 40 mm से डाउन हो जाएगा तो ट्रेन चलने लगेगा, अगर नहीं उससे डाउन हुआ तब तक ट्रेन नहीं चलेगा। एक साल तक मिल भी आप ये बताइए कि राशन कहाँ से छोड़ाते हैं? राशन कल्याण टोला से। कल्याण टोला छोड़ करके ट्रेन पकड़ के जाइए सुल्तानगंज भागलपुर। राशन कार्ड कहीं का हो, आप दूसरे जगह दिल्ली पंजाब बम्बई ढाका कहीं चल जाइए, वहाँ जो चीज मिलेगा आपको वही चीज देगा। कच्चा चावल मत खाइए, मुंगेर जिला में हर जगह पर कच्चा चावल मिलता है। नवागरी से लेकर बरियारपुर कल्याणपुर तक घोरघाट तक सारा राय वो राशन छोड़ाने के लिए सुल्तानगंज घुस जाता है। नहीं नहीं आप ये बताइए कि एक राशन कार्ड पे गए छोड़ाने के लिए तो कितना अनाज काट लेता है? एक किलो काट देते। तो आप चले जाइए सुल्तानगंज एरिया में, एक भी नहीं काटेगा। और चावल जो देता है 30-40 रुपया 50 रुपया तक का, मेरे घर में खुद आता है राशन, मेरे गली में जितना है सभी ले आता है। पेट मर भाई कखनी उनटा भाई और बात चावल दे बढ़िया दे तब एकदम गदड़ी वाला दे ढेलो 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 सर लो। इस डीलर के पास लेना ही छोड़ दीजिए, अनाज लेना ही बंद करिए, आप दूसरे एरिया में जाइए। इस डीलर का अनाज कट जो हो जाएगा अगले महीना से उसको देना बंद कर देगा। जहाँ चीज अच्छा मिलता है वहाँ पर जाइए, कि इस एरिया का माहौल क्या है। ट्रेन नहीं चलता है, ट्रेन से कई व्यक्ति जिसको माल जाल है जमालपुर भागलपुर करता है, घास लाता है जमालपुर से, तो वो साधन बंद हो गया है, ठप हो गया है। बरियारपुर के आसपास में 195 पुल संख्या है, उसके गार्डर पर पानी आ गया है। गार्डर पर पानी आने से हर बार ट्रेन बंद हो गया, जैसे अगस्त 2021 में बंद हो गया था तो एक सप्ताह बंद था, इस बार आज शाम से ट्रेन चलने की उम्मीद है। ये सच्चाई होता है ना कि वो जानबूझ के ऐसा करता है।
अगस्त 2021 में हम आए थे तो यहाँ पर चावल गेहूँ हर चीज सूख रहा था, सूख रहा था ना। फोटो वीडियो मेरे पास हर चीज है, फिर भी मेरे सामने वो आया पूरा पूरा बिखरा हुआ था, वो गाड़ी को चलाते हुए चला गया था। कितना दिन से यहाँ पर रहते, कितना दिन से बाढ़ आपके आसपास में आ गया है? महीना एक महीना से आप रेलवे पर आ रहे हैं?